वो जाते हैं रुइंस के वेस्टर्न साइड को लूट करने के लिए। नियो को फिलहाल के लिए कायनात नॉकआउट करती है। मैं काफी क्वाइट शॉक हूँ, लेकिन अभी हम बात करें डॉन लाइक गुस्सा तो जरूर रहेगी यहाँ पर अपने प्लेयर को गवाने के बाद, नियो को गवाने के बाद जरूर रहेगा। लेकिन अब हम बात करें वाइट स्विंग की जगह नैरो स्विंग किया एंड वहां पर ओआर के एलिमिनेशन हमें देखने का मौका मिलता है। सोलवे पोजीशन पे जस्ट वन फिनिश पॉइंट जोनाथन के आगे, यहां पर कुछ आ रहा है गॉडल गर्ल्स, संभल के रहना पड़ेगा जोनाथन। ये जाने जाते हैं एम टूल्स के लिए ही एंड बहुत ही आसानी से उन्होंने एक प्लेयर का नॉकआउट निकाला, इमीडिएटली फिनिश पॉइंट उन्होंने कन्वर्ट जो है अभी के लिए तो लेकिन नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हील कर रहे हैं जोनाथन, फिर से अपने वेपन को निकल चुके हैं, इसी के साथ देखिए फ्री फायर लिया जा रहा है यूएम पिक पे। जब तक बुलेट रिप्लीट नहीं होता है तब तक वो मौजूद, बट फाइनली निकी आगे आते हैं जोनाथन Once again, अपने यूएमपी की मदद से एक नॉकआउट निकालते हैं, बट इस बार दोनों प्लेयर्स को जो कंफर्म कर जाएंगे ताकि इन्फॉर्मेशन ना रिले किया जाए। एंड नाउ द गर्ल्स आर इन ट्रबल, आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं एंड वो भी जोनाथन के ही सामने आ रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद गॉडल गर्ल्स, बट जोनाथन के केस पे एम ड्यूल लेने जा रहे हैं एंड अकेले जाना किश्तों में आ रहे हैं, किश्तों में जा रहे गेम्स को तो कोशिश करनी चाहिए यहां पे एक साथ दो खिलाड़ी अगर पीक करते, बट अभी के लिए हम बात करें जोनाथन ने रेबल को स्पॉट वापस कर लिया है, बट फिलहाल के लिए वो जो ग्रेनेड था कैंसिल, मुझे लगा शायद कैंसिल करते नजर आएंगे, लेकिन अभी के लिए सी गॉटी उनको स्पॉट कर लिया। और इसी बीच यहाँ पर एक खिलाड़ी डाउन जो निकाला गया था यानी नियो के रूप में, उसमें कंप्लीट गॉड लाइक गर्ल्स के यहाँ पर एलिमिनेशन में देखने को मिलता